बिहार की राजनीति में कास्ट फैक्टर को सही सेट करने वाली पार्टी लोजपा और आरजेडी आजकल एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। रामविलास पासवान जो कभी यूपीए तो कभी एनडीए की नैया पार लगाया करते थे, वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन भाजपा ने बिहार में दलित वोटरों को साधने के लिए रामविलास पासवान के बेटे को अपने पाले में किया हुआ है। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। वो यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। बिहार में पांचवें चरण के मतदान के पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने सवालों से घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक पुराना एहसान याद दिलाया है, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को रामविलास पासवान को लेकर एक पुरानी बात याद दिलाई। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जिस दिन से राजनीति में आए हैं आरएसएस के संग है, वो भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि जरा पूछिए कि जब उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं था तो रामविलास पासवान को राजद ने राज्यसभा में भेजा था। चिराग जमुई से सांसद रहे, मगर 10 साल में 100 दिन भी बिहार में गुजारे हैं क्या? वो जमुई में अपनी पार्टी एक कार्यालय तक नहीं खुलवा पाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पासवान सामाजिक न्याय की राजनीति पसंद करता है, ना कि भाजपा और आरएसएस की। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, इसलिए वो चेंज इन 2024 की बात कर रही है। देश के युवा कह रहे हैं कि हमारा पेपर लीक कराने वाली भाजपा का हम इलेक्शन लीक कराएंगे।